हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं PDF से। यहाँ पर हम देख लेते हैं, काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि मैम इसका TMA होता है तो क्या हमें TMA के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं या नहीं पढ़ने होते, तो वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में भी। चलिए यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए ताकि उनको ये पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है, इस सब्जेक्ट को आप कौन कौन से मीडियम में पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती या ओडिया, इन लैंग्वेज में आप ले सकते हो। मोस्टली बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसके अगर वेटेज की बात की जाए या तो 100 मार्क्स का इसका पेपर आपके सामने आएगा, जिसमें से 20% आपका TMA का होता है, मतलब 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और आपके 20 मार्क्स का इसमें क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल, सॉरी TMA होगा। ठीक है, TMA 20 मार्क्स का होगा और आपके 80 मार्क्स की क्या होगी, थ्योरी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 33%, मतलब 80 का 33%, 80 का 33% अगर आप निकालो, 33% अगर आप निकालो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, 27, मतलब मिनिमम इस सब्जेक्ट में आपको 27 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो कि अगर मान के चलो किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, TMA में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, थ्योरी में कितने चाहिए, डिटेल में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लें। ठीक है, आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 बिजनेस अराउंड अस, ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके चैप्टर के नाम है आपके सामने। फिर हमारा जो मॉड्यूल है, यहाँ पर आपसे 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा है सेकंड मॉड्यूल है, जो कि हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा है 8 मार्क्स में। तो ये हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो 8 मार्क्स में है। यहाँ से आपसे 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। में हम आ जाते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल पर। थर्ड मॉड्यूल है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा 4 मार्क्स में है और यहाँ से आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गेटिंग रेडी फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि है मॉड्यूल 4। यहाँ पर है मॉड्यूल 4 बिजनेस मैनेजमेंट नेचर एंड स्कोप, ये हमारा है 10 मार्क्स में। ठीक है, NIOS ने, जैसे कि मैंने बताया था कि TMA के चैप्टर पढ़ने होते हैं या नहीं पढ़ने होते हैं, तो अब तक जितने भी हमने मॉड्यूल देखे, यानी कि 3 मॉड्यूल देखे, वहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। NIOS ने मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से नहीं चैप्टर पढ़ने, यानी कि TMA के ये चैप्टर आपको पढ़ने या नहीं पढ़ने, लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि इन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत बेसिक सा 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि जहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका 10 मार्क्स का है, सिर्फ एक चैप्टर 10 मार्क्स का है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, फिर हमारा मॉड्यूल 5 है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका 20 मार्क्स का है और ये वाला जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको यहाँ से प्लानिंग से भी क्वेश्चन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन, देखो प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो ये आपका इजी रहता है, इसको आप सबसे पहले करना। ठीक है, जाते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल पे, मॉड्यूल 6 है हमारा, जो कि अगेन 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हमारे कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, काफ़ी कम चैप्टर हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने मार्क्स में, 20 मार्क्स में, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ना स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पे नहीं अटके रहना, आपको ऐसे नहीं करना फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपको फोर्थ मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट करना है, फोर्थ मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे के जितने भी आपको मॉड्यूल बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th मॉड्यूल है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 20 मार्क्स का है और यहाँ से आपसे 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट था इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, कंज्यूमर प्रोडक्शन, 10 मार्क्स में ये आपके 3 चैप्टर हैं। फाइनली ये था आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, जैसे जैसे मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करते हैं आप इजिली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं, आगे आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर NIOS का हर अपडेट आपको टाइम से मिल जाता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।